हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज आपको अपने हम खेत ले जा रहे हैं और ये देखिए हमारे खेत के रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े, तो हमारी बेटी भी साथ में आ रही है और ये बहुत खुश है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए हम अपने खेतों में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सेम के हमारे पौधे लगे हुए हैं और इनमें सेम की ढेरों सारी फलियाँ हैं, तो आज इनको हम तोड़ेंगे और इनकी एकदम नेचुरल खेतों से तोड़ी हुई सेम की फलियों का सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं सेम की फलियाँ तोड़ रही हूँ और मेरी बेटी जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, तो वो देखिए ट्रेन भी यहाँ से जा रही है, मालगाड़ी है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है हमारे खेतों से, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। और ये देखिए मेरी बेटी बहुत खुश है ट्रेन को देख के, ट्रेनों के डब्बे को गिन रही है। ये हमारे भाभी का लड़का सोलू है, ये भी साथ में आया है खेत में हमारे। ये देखिए सेम की फलियों को हमने तोड़ लिया है एकदम ताजे, और यहाँ से हम हरी मिर्च भी लेंगे कुछ। गांव में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप शहर में रहते हैं कितने बीमारी ग्रस्त रहते हैं, और गांव में ताज़े ताज़े ठंडी ठंडी हवाएं और हमें नेचुरल हरी साग सब्जियाँ मिलती है जिससे रोग भी हमें कम होता है और काफ़ी हम सेहतमंद रहते हैं। और ये देखिए हमारे खेतों में एकदम हरे हरे और ताज़े ताज़े धनिया के पौधे हैं, और यहाँ से मैं धनिया के पत्ते को थोड़े से जो है तोड़ूंगी। और इतना खूबसूरत यहाँ का ताज़ा हरा धनिया है, मैंने दिल्ली में ऐसा हरा धनिया ताज़ा एकदम फ्रेश नहीं देखा। और यहाँ देखिए मेरे भाभी का लड़का सोलू है, वहाँ पे डंडे ले रखे हैं अमरूद तोड़ने के लिए, और मेरी बेटी देखिए कितना बड़ा गन्ना चूस रही है। जब भी ये खेत में आती है इसको गन्ना और अमरूद जरूर तोड़ती है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अमरूद के पेड़ है हमारे खेतों में और ये बहुत मीठा यहाँ का अमरूद लगता है, तो अभी जो है हम सब मिल के यहाँ पे अमरूद तोड़ेंगे। ये देखिए हमारे भाभी की लड़की मोनी है और ये भी अमरूद तोड़ रही है, और वो देखिए हमारी भाभी हैं खेत में आई हैं काम करने के लिए। तो आपको एक बात और बता दूँ, मेरे हस्बैंड का भी चैनल है आयुर्वेद के रहस्य, और उनमें वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सेहत को लेके, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उनकी अच्छी अच्छी बातों को आप सुनिए और उनको फॉलो करिए। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। मैंने अपनी सारी सब्जियों को खेतों से ताज़ी ताज़ी जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले लिया है, अब हम घर की तरफ चलते हैं। जब भी हमें सुबह शाम जब सब्जी बनानी होती है हम ताज़े यहाँ से आते हैं खेत में और तुरंत ताज़े तोड़ के खेतों में से ले जाते हैं। अब मैं सेम की फलियों को दोनों किनारों से उनके नोकों को अच्छे से तोड़ के और छील के रख लेते हैं। और आलू और प्याज का छिलका उतार के रख लेते हैं। अब सब्जियों को हम धोएंगे। सब्जियों को अच्छे से धुल कर हम काटेंगे।
ये देखिए हमारा चूल्हा है, अब इसमें हम ईंधन को जलाएंगे। ये देखिए आग हमारा जल गया है और इस पे हम लोहे की कढ़ाई रखेंगे। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से हमें आयरन भी मिलता है और लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना चाहिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हम तेल डालेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को भी हल्का सा ब्राउन करने के बाद हरी मिर्च और प्याज का तड़का लगाएंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे और सेम की फलियां डालेंगे और दोनों को हम भूनेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, ढेर सारा धनिया डालेंगे। अब इसको हम मसालों को अच्छे से मिला के ढक देंगे और इसको धीमी आंच पे हम पकने देंगे। और अब देखिए इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी सब्जी अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए हमारी सेम की सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। हमारे आलू भी हो गए हैं। ये देखिए हमारे एकदम फ्रेश सेम की सब्जी बनके तैयार है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये था हमारे गांव का सेम की सब्जी। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय।